నాలుగేళ్లలో రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలబెట్టామన్నారు మంత్రి కేటీఆర్. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే క్వాలిటీ ఆఫ్ బిజినెస్, కాస్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ పై దృష్టి పెడతామని చెప్పారు. బంజారాహిల్స్ లో జరిగిన అగ్రసేన్ మహారాజ్ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. అగ్రసేన్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. వైశ్యభవన్ నిర్మాణ అంశం సీఎం దృష్టిలో ఉందన్నారు కేటీఆర్. అందరి ఆశీర్వాదంతో మళ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి వస్తామన్న నమ్మకం ఉందన్నారు. अभी हमारी फोकस जो है, अगर आप फिर से आशीर्वाद देंगे और सरकार चलाने का और राज चलाने का फिर एक मौका देंगे, तो इस बार हमारी प्रयास होगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, क्वालिटी ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को लोअर करें और क्वालिटी ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दें, ये हमारी दृष्टि, उसमें हम लोग पूरी तरह से दृष्टि रखे हैं. और इसके अलावा मैं फिर से एक और बार आपको आश्वासन देता हूं कि लोकल एंटरप्रेन्योर जो है, आज हम तो रेड कार्पेट बिछा के हर किसी को इनवाइट करते हैं पूरे दुनिया से, जहां कहीं भी एंटरप्रेन्योर हो, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, क्योंकि मोदी साहब कहते हैं मेक इन इंडिया. वो ये थोड़ी कहते हैं कि मेक इन गुजरात, मेक इन महाराष्ट्र, बोलते हैं मेक इन इंडिया. तो हम भी उसका फायदा उठा रहे हैं और बोल रहे हैं भाई मेक इन इंडिया तो है ही, बट इंडिया में जो प्रोग्रेसिव स्टेट है उसमें तेलंगाना अव्वल दर्जे पर है, तो आप तेलंगाना आइए, मेक इन तेलंगाना कीजिए करके हम पूरा दुनिया से आज यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को हम यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं. तो जब पूरा दुनिया के लिए हम रेड कार्पेट बिछाने की प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे जो लोकल भाई हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, खास जो लोकल वैश कम्युनिटी के यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं, मैं उनके तरफ मैं एक ही आश्वासन देता हूँ, लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव भी हम देंगे. या मैं यहीं इस मंच पर वायदा भी करता हूँ. और गिरीश भाई ने एक और कागज़ भी मुझे दिया, उसमें कहा कि वैश भवन के लिए आप जगह दीजिए. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ गिरीश भाई, हम केयर टेकर गवर्नमेंट है. अभी मैं कुछ भी बोलूँ मुझ पर केस लग जाएगा, आपको तो पता है इलेक्शन कोड है, पर मैं आपको आश्वासन देता हूं प्रोसेस में है, ऑलरेडी प्रोसेस में है. वैश्य समाज की तरफ से एक विनती ऑलरेडी केसीआर साहब के पास है, वो फाइल भी प्रोसेस में है. मैं इससे ज्यादा अगर कहूंगा तो कांग्रेस के हमारे मित्र जो है कल केस डाल देंगे, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा. बट आश्वासन आपको देता हूं कि जरूर जीत के आएंगे आपकी मदद से, और जरूर वो काम भी करके आपको फिर अगली अग्रसेन महाराज जयंती में जरूर मिलेंगे.